हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बेट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले वीवो Y73 के अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास Vivo Y73। तो गाइस, सबसे पहले आपका वाईफाई जो आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही गाइस आप वाईफाई कनेक्ट करते हो, फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू वर्जन फाउंडेड 6.71.6, और इसकी साइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो 310 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। और इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ चेंजेस किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं कंटिन्यू डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो जाने के बाद इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, डाउनलोड हो जाने के बाद इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली वेरीफाइंग लिखा हुआ आ जाता है, और हमारा फ़ोन जो अपडेट की प्रोसेस में चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन वीवो की ब्रांडिंग आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग द अपडेट पैकेज, डोंट प्रेस एनी बटन आफ्टर द अपग्रेड। यानी कि जब भी हमारा स्मार्टफोन जो अपडेट की प्रोसेस में होता है, तब आपको कोई भी कीज जो है प्रेस नहीं करनी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग आ चुकी है, और यहाँ पे लिखा है पावर बाय एंड्रॉइड। और एक बात फ्रेंड्स, कि जब भी आप अपना स्मार्टफोन जो अपडेट करते हो, तो सिर्फ आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है, आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग द एप्स, 68 apps इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो रही है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी जो रिसेंटली हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो गाइज, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके चेक भी कर सकते हो सिस्टम अपडेट पे। यहाँ पे द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, यानी कि कुछ इस तरीके से Vivo Y73 के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है। तो होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।